मित्रों, आज मेरे साथ सीएलसी स्टूडियो में एक ऐसी होनहार प्रतिभा मौजूद है जिसे आपको मुखातिब करवाते हुए मुझे खुद को गर्व महसूस हो रहा है। कहते हैं, कुछ करने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, सिर्फ संकल्प का धन चाहिए। इफ़ यू डू हैव विल पावर, नोबडी कैन स्टॉप यू। मेरे साथ बीकानेर जिले के वीरेंद्र चौधरी मौजूद हैं। आप सीएलसी बीकानेर के स्टूडेंट रहे और नीट 2018 के परिणाम में आपने वो माइलस्टोन स्थापित कर दिया जिसे देख करके आने वाले समय में लोग अपनी दिशा और दशा तय करेंगे। मैं वीरेंद्र से आपको परिचित करवाता हूँ। 7वीं रैंक ओबीसी कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया में आपकी है, 670 आपके मार्क्स हैं। 38वीं ऑल ओवर इंडिया में आपकी ओवरऑल रैंक है, ये भी 12वीं के साथ 88% आपके 12वीं फाउंडेशन में है। यानी जिधर देखो, जहां देखो, वीरेंद्र की ज़िंदगी में सफलता ही सफलता है, खुशियां ही खुशियां हैं। वीरेंद्र, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं मेरी सफलता का बड़ा श्रेय मेरी फैमिली और मेरे इंस्टीट्यूट सीएलसी बीकानेर को देना चाहूँगा। सीएलसी ने मुझे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया था और मतलब हर संडे, हर दो चार दिन में ही टेस्ट होता था। सारे टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे और सारे टेस्ट का लेवल ऑलमोस्ट नीट के जैसा ही था। उससे काफ़ी हद तक पता चल गया था कि नीट में मैं कहाँ पे स्टैंड करूँगा और नीट में मेरा क्या स्कोर रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरी नीट में अंडर 50 रैंक आराम से आ जाएगी और वो सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक सारा उसका श्रेय सीएलसी बीकानेर को ही जाता है। थैंक यू वीरेंद्र। आज के दिन से बाद में जो भी कोई नीट की तैयारी करना चाहेगा वो वीरेंद्र चौधरी बनना चाहेगा। लोग आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखेंगे, अपने मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। वीरेंद्र चौधरी कैसे तैयार हो सकता है, क्योंकि आपने बंद कमरे में पूरे 2 साल तक तपस्या की होगी। जब लोग सोते थे, आप रात रात भर जागते होंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को आम से खास बनाती है। अपने कुछ वो पर्सनल सीक्रेट्स हमारे साथ साझा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सीएलसी स्टूडियो से देख रहे हैं जो आपको सुनकर के प्रेरणा पाएंगे। तो वो सीक्रेट्स, वो चंद चीज़ें जिन्होंने वीरेंद्र चौधरी को वो वीरेंद्र बना दिया जो भारत भर में 7वीं रैंक पर है। असली बात ये है कि इन 2 साल में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और बस मोटिवेटेड रह के एक फोकस में रहते हुए एक मतलब अपना एक तरह से सपना साकार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होता है सिलेक्शन। और डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब पे चला के आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। या फिर 2 साल दबा के मेहनत करके और अपनी ड्रीम कॉलेज में बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए या बेस्ट इंजीनियर IITian बनने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब है बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए और मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोकस रहने के लिए 2 साल में एक ही रीज़न है सिर्फ और सिर्फ कि लाइफ सेट हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो बस मतलब 2 साल दबा के मेहनत कर लो, सिर्फ नींद लो, पढ़ाई करो, खाना खाओ और वापस सो। बस ये 3-4 चीज़ें ही करनी है और कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और बस ऑल इंडिया रैंक 38 क्या ऑल इंडिया रैंक 1 भी आराम से अचीव हो सकती है। क्या बात है, थैंक यू। आपने कहा फेसबुक से दूर रहो, इंस्टाग्राम से दूर रहो, क्योंकि ये टाइम किलिंग फैक्टर्स हैं जो कंपटीशन के विद्यार्थी का टाइम किल करती हैं। आज वीरेंद्र ने फेसबुक छोड़ा, इंस्टाग्राम छोड़ा और वो वीरेंद्र बन चुके हैं जिसे लोग फेसबुक पर सर्च करेंगे। अब फेसबुक चलाने वाले भले ही नहीं बने, लेकिन लोग आपको फेसबुक पर सर्च करें, ऐसा कुछ आप करें। वीरेंद्र, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप एक डॉक्टर बन जाएंगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन आगे चल करके किस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहेंगे? समाज को लेकर के, परिवार को लेकर के, देश को लेकर के, यूथ को लेकर के आपका एक विजन होगा, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं, आपका IQ इतना अच्छा है, तो थोड़ा सा वो विजन भी हमारे साथ शेयर करें। विजन अभी तक मैंने सोचा हुआ है कि अभी तो 5.5 साल MBBS करनी है और ब्रांच का वैसे देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई मेरा वैसे नहीं है कि किसी एक ब्रांच से या किसी एक फील्ड से अटैचमेंट है। वो 5.5 साल में मतलब MBBS करते हुए डेवलप होएगा। तो काफ़ी हद तक अभी तक तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ है कि यही ब्रांच ज्वाइन करनी है। और वैसे मतलब काफ़ी कुछ सोचा हुआ है कि कुछ ना कुछ अलग करना है। अभी जैसे सारे चल रहे हैं कि MBBS करके डॉक्टर बन के बस पेशेंट्स देख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। मुझे बस थोड़ा अलग करना है, कुछ हटके करना है। वो अब देखते हैं क्या करना, क्या करेंगे, क्या होएगा, पर करना कुछ अलग है।
क्या बात है, कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ती न चले सिंह सायर सपूत। वीरेंद्र उन सपूतों में से बनने जा रहे हैं जो लीक छोड़ करके करेंगे। वीरेंद्र, एक मन की बात मैं आपकी जानना चाहूँगा। आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, आफ्टर MBBS लोग सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देश और समाज की सेवा करने का वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है, सेवा का डॉक्टर भी एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन एक ट्रेंड थोड़ा हट करके है। और इन दिनों जब भी हम सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखते हैं, IAS का रिजल्ट देखते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स उसमें हमें नज़र आते हैं, कहीं वो रहा तो आप नहीं चुनने जा रहे? वो भी अभी देखने वाला फैक्टर होएगा। मेरे भैया थे जिन्होंने 2010 में एम्स में ऑल इंडिया रैंक 1 OBC में अचीव की थी, वो CLC से ही पढ़े थे, उन्होंने भी अपने 5.5 साल MBBS के बाद में सिविल सर्विसेज वाली लाइन ही ज्वाइन की थी और अभी बहुत अच्छी रैंक भी अचीव की थी। तो वो देखने वाला होएगा कि मैं भी सिविल सर्विसेज में जाता हूँ या फिर PG करके कुछ और करता हूँ। वो वैसे अभी तो कुछ सोचा नहीं है। तो देखिए, ये थे वीरेंद्र चौधरी, चेहरे पर मुस्कान, मन में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस और दिमाग में बिल्कुल क्लियर विज़न। और मुझे लगता है कि यही वो चीज़ें हैं जो आदमी को आम से खास बनाती है, विशेष से और विशेष बनाती है, एक मेरिटोरियस और स्कॉलर स्टूडेंट बनाती है। वीरेंद्र, सेल्स परिवार की ओर से आपको अपने भावी सफल जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी ईश्वर से आपके लिए दुआएं। आप सेल्स स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।